नमस्कार दोस्तों प्रस्तुत है हिंदी भाषा के लेखक अनिल माथुर द्वारा लिखी हुई कहानी नॉमिनी तो आइए कहानी शुरू करते हैं एक महीने के विदेश प्रवास से लौटते ही मन जल्द से जल्द सविता जीजी से मिलने को व्याकुल हो उठा रात को सोते समय निश्चय किया कि सवेरे जल्दी सभी काम निपटा कर टैक्सी से निकल जाऊंगी पूरा दिन जीजी के साथ ही बिताऊंगी जाने कैसी होंगी जीजी अब चार महीने होने को आ रहे हैं जीजाजी के जाने का गम भुला पाई होंगी या नहीं हे ईश्वर जीजी को इस आकस्मिक विपदा को सहने की शक्ति दो मेरे होठ अपनी इन दिनों की नित्य की प्रार्थना में बुदबुदा उठे थे क्लांत शरीर बिस्तर पर आराम कर रहा था पर व्याकुल मन फड़फड़ाता विगत के घटनाक्रम में विचरण करने निकल पड़ा था जीजा जी के अचानक हृदयाघात से गुजर जाने के बाद जीजी को संभालना हम सब परिवारजनों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था दोनों की बावन वर्षों की राधा कृष्ण सी जोड़ी को जब हम नहीं भूल पा रहे थे तो जीजी से उम्मीद करना व्यर्थ था उनके शोक का सचमुच कोई पारा पार ना था उनकी तो पूरी दिनचर्या ही जीजा जी के इर्द गिर्द घूमती थी साथ उठना बैठना खाना पीना सोना बतियाना घूमना योग करना पूजा करना बाजार जाना आदि सब कुछ साथ साथ जाहिर था कदम कदम पर मिनट मिनट पर वे उन्हें मिस कर रही थी पंद्रह दिन बीतते बीतते घर रिश्तेदारों से खाली हो गया और महीना होते होते तो लोगों की आवाजाही भी बंद हो गई थी मैं चूंकि शहर में हूँ तो बहु नूपुर ने मुझसे रोज़ आ जाने का आग्रह किया था मौसी जी आपको तकलीफ़ तो होगी पर नित्य कुछ घंटे आप मम्मी जी के पास बैठी रहेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा अभी अकेले उनका दिल घबरा जाएगा वैसे भी कल से मुझे स्कूल रिजॉइन करना है नूपुर की चिंता वाजिब थी मैं लगभग रोज ही जीजी से मिलने पहुंच जाती थी जिस दिन नहीं जा पाती थी फोन पर लंबी बातचीत कर लेती थी जीजा जी के संग बिताए सुख दुख के दिन स्मरण करते हुए नित्य ही हम बहनों की आंखें नम हो जाया करती थी बहुत जिंदा दिल थे तेरे जीजा जी समय का लंबे से लंबा अंतराल भी मेरे दिलो दिमाग से उनकी स्मृतियों को धूमिल नहीं कर पाएगा उनके रहते हर दिन उत्सव था बच्चे बड़े सबके अजीज थे वे बिभू को चाहे होमवर्क करना हो चाहे शतरंज खेलना हो उसे दादाजी ही साथ चाहिए होते थे आए दिन पार्टी करते रहते थे वे आज बेटे को इंक्रीमेंट मिला है सब होटल चलेंगे बहू की बी हो गई है सबको मेरी ओर से डिनर मेरी पेंशन बड़ी है सब घूमने चलेंगे बिभू के नब्बे प्रतिशत अंक आए हैं उसके सब दोस्तों को पार्टी खाने खिलाने का इतना शौक मैं कभी टोक भी देती तो चुटकियों में मेरी आशंकाओं को निर्मूल साबित कर देते सविता जिंदगी का क्या भरोसा सब यहीं छोड़ कर जाना है जीते जी जितना अपने हाथों से दे जाए खर्च कर जाए अच्छा है और अब देखो घर भर में सन्नाटा पसरा है दिवाली जैसा बड़ा त्योहार भी कब आया और कब चुपके से निकल गया पता ही नहीं लगा वे थे तो हर दिन दिवाली थी उत्सव था इस घर से वे अकेले विदा नहीं हुए हैं कविता मुझे तो लगता है इस घर की खुशियाँ भी उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गई हैं मेरी तो जीने की चाह ही ख़त्म हो गई है जीजी की सुबकियाँ रुदन में तब्दील हो जाती तो मैं उन्हें ढांढस बनाने लगती ऐसे नहीं कहते जीजी आपको अपने लिए इन बच्चों के लिए जीना है देखो ना सब कितने चुप चुप रहने लगे हैं हर वक्त हंसता चहकता घर कितना वीरान हो गया है आपको खुद को बच्चों को सबको संभालना होगा जीजा जी के ना रहने से तो आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है वो चीज़ हमारे वश में नहीं उसका क्या किया जा सकता है नूपुर इस बीच जबरन कभी चाय नाश्ता तो कभी खाना रख जाती साथ ही मुझे इशारा कर जाती कि मैं किसी तरह वो सब चीज़ें जीजी को खिला दूं। इस बीच यदि स्कूल से या खेल कर हंसता कूदता लौटा बिबू हमारे सामने पड़ जाता तो एकदम चुप हो जाता चुपचाप मेरे चरण स्पर्श कर वह अंदर घुस जाता और फिर पूरा समय सामने आने से कतराता रहता भांजे पोनीत से आमना सामना होता तो वह भी औपचारिक कुशल क्षेम पूछ इधर उधर हो जाता मेरा दिल रो उठता इस घर की खुशियों को सचमुच जाने किसकी नज़र लग गई है इस बीच बेटी श्रुति की प्रसूति के लिए विदेश जाना पड़ गया तो मैं जाने की तैयारी के कारण कुछ दिनों तक जीजी के पास नहीं जा पाई पर फोन पर बात बराबर कर लेती थी रात में नींद बराबर आई जीजी पाठ कर लिया हाँ तैयारी चल रही है आप भी मेरे साथ थोड़े दिन श्रुति के पास चले चलो आपको चेंज हो जाएगा और मुझे भी मदद रहेगी आप हाँ करो तो आज ही टिकट का बोल दो। अरे नहीं कहाँ आऊँ जाऊँ अभी तो रोज़ ही मुझे यहाँ कई पेपर साइन करने पड़ रहे हैं बैंक अकाउंट में नॉमिनी पेंशन में नॉमिनी यहाँ नॉमिनी वहाँ नॉमिनी सुबह शाम नॉमिनी नॉमिनी सुनकर कान पक गए हैं मेरे उनकी झुंझलाहट भाप एक पल को तो मैं भी फ़ोन पर मूक रह गई थी फिर मैंने समझाया था ये सब कागजी औपचारिकताएं तो पूरी करनी ही पड़ेंगी जी जी वो भी समय रहते सब आपके भले के लिए ही तो कह रहे हैं अच्छा कोशिश करूंगी जाने से पूर्व एक बार आपसे मिलकर जाऊं नहीं तो आते ही मैं भागी चली आऊँगी आपके पास तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ ज़्यादा चिंता मत करना ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त और खुश रहने की कोशिश करना आप खुश रहोगी तो ही पुनीत नीपुर और बिभू भी खुश रह पाएंगे वरना देखो आपके साथ साथ उनके भी कैसे चेहरे निकल आए हैं अपनी ओर से भरपूर समझाई इसके बाद भी मैं जीजी को लेकर आश्वस्त नहीं रह सकी थी इसलिए लौटने के बाद से ही जल्द से जल्द जीजी से मिलने को ब्याकुल जा रही थी रात किसी तरह आंखों में कट्टी सवेरे होते ही निकल पड़ी जीजी से मिलने की इतनी उत्सुकता थी कि पच्चीस मिनट का रास्ता भी एक युग के समान लग रहा था एक फल विक्रेता दिखा तो मैंने टैक्सी रुकवा कर जीजी की पसंद की स्ट्रॉबेरीज लीची व शैतूत रखवा लिए विदेश से लाई चॉकलेट्स मैंने बिभू के लिए पहले ही बैग में रख ली थी जीजी के घर के बाहर टैक्सी रुकी तो जीजी को बिभू के साथ बाहर गार्डन में ही बैठे देख मैं सुखद आश्चर्य से भर गई कहाँ तो मैं जाने से पहले जी की मिन्नतें करती थक जाती थी कि चलो ना जी थोड़ी देर बाहर बगीचे में बैठते हैं नहीं री मुझसे नहीं जाया जाएगा तेरे जीजा जी को बाहर बगीचे में बैठना बहुत पसंद था हम दोनों शाम की चाय वहीं बैठकर पीते थे साथ अखबार पढ़ते पाठ करते फल खाते दुनिया जहान की बातें करते समय कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था कविता दादी आ गई बिबू का चेकता स्वर कानों में पड़ा तो मेरी चेतना लौटी टैक्सी वाला पेमेंट के लिए खड़ा था उसे पैसे देकर बैग और फलों की डलिया झुलाती में गेट में प्रविष्ट हुई और सामान रख जीजी के गले लग गई रोकते रोकते भी मुँह आंखों ने निःशब्द आंसू बहा ही दिए उन्हें जीजी से अलग होने से पूर्व भी मैंने चतुराई से पहुँच लिया हालांकि धुली धुली आंखें अभी भी दिल की चुगली कर रही थीं वातावरण को सहज बनाने के लिए मैंने बैग से बिबू के लिए लाई चॉकलेट्स निकाली तो वह खुशी से मेरे कदमों में झुक गया उसे ऊपर उठाते मेरी नज़र सामने बिछी शतरंज की बिसात पर पड़ी अरे यह कौन खेल रहा था मैं और दादी कविता दादी आपको मालूम है दादी बहुत अच्छा चैस खेलती हैं दादा से भी अच्छा विभू उत्साहित था तू तो दुनिया में बाद में आया रे पहले मैं और तेरे दादा ही खेला करते थे मैं स्कूल में जिला स्तर पर खेल चुकी हूँ क्यों कविता याद है तुझे अरे वाह अब तो मैं आपके साथ पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस करूँगा और देखना टूर्नामेंट भी मैं ही जीतूँगा चल अब अंदर जाकर पहले होमवर्क कर फिर और खेलेंगे और हाँ रसोई में राधा दीदी से कहना दो कप कड़क मसालेदार अदरक वाली चाय बना कर दे दे और साथ में पुदीने वाली मठरी भी वो दादा की पसंद वाली जो मम्मी बना कर गई हैं हाँ हाँ वही मैं हैरानी से सब देख सुन रही थी यह सब चल क्या रहा है अरे कुछ नहीं बिबू के स्कूल में चेस टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं इसने तो यह सोचकर नाम ही नहीं लिखवाया था कि दादा के बगैर प्रैक्टिस किसके साथ करेगा मुझे पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा जरा सोच जब मुझे इतना दुख हुआ तो इसके दादा को कितना दुख हुआ होगा मैंने पुनीत से कहकर न केवल इसका नाम डलवाया वरन अब सुबह शाम इसके साथ खेल इसे कर इसे प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ बहुत अच्छा किया जीजी जी आपने तभी एक लड़की गर्मा गर्म चाय और मठरी रख गई यह कौन है नूपुर अभी स्कूल से लौटी नहीं क्या नूपुर तो पंद्रह दिन की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गई है इस लड़की को पीछे खाना आदि बनाने के लिए रख गई है मैंने तो कहा था मैं ही बना लूँगी तीन लोगों के खाने में क्या है पर वह मानी नहीं सारा काम उसे समझा कर गई है ढेर सारा सूखा नाश्ता बनाकर रख गई है सो अलग वैसे काहे की ट्रेनिंग है पूछते हुए मैंने एक मठरी तोड़कर मुँह में रख ली थी अरे वाह मठरी तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है तेरे जीजा जी की पसंद की है चाय के साथ भी यही खाना पसंद करते थे नूपुर उनके लिए बना कर रखती थी जीजी जी कहीं भावुक ना हो जाए यह सोचकर मैंने तुरंत फिर ट्रेनिंग का पूछ लिया कोई जरूरी टीचर्स ट्रेनिंग है जिसे करने पर ही आगे प्रमोशन मिलेगा तू तो जानती है तेरे जीजाजी कितने प्रगतिशील विचारों के थे उनके अनुसार हर लड़की को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए शादी के बाद नूपुर ने उन्हीं के कहने से बी किया और फिर नौकरी भी करने लगी नूपुर ने तो यह सोचकर के इस समय मुझे अकेला छोड़ना उचित नहीं होगा ट्रेनिंग के लिए मना कर दिया था मुझे किसी ने बताया भी नहीं वो तो एक दिन सुलेखा भाभी आई थी उन्होंने बातों बातों में बताया कि उनकी बहू जो नूपुर के साथ है ट्रेनिंग पर जाने वाली है और फिर उसका प्रमोशन भी हो जाएगा तब मैंने पुनीत तो और नूपुर को आड़े हाथों लिया कि उनके पापा को कितना दुख होगा कि उनकी वजह से नूपुर का प्रमोशन रुक गया ये बच्चे कुछ समझते ही नहीं हैं मैं भाव विभो निरनिमेश नेत्रों से जीजी को देखे जा रही थी वैसे ना समझ तो मैं भी कुछ कम नहीं थी अपने ही दुख में डूबी रही यह समझने का प्रयास ही नहीं किया कि मैंने अपना पति खोया है तो बच्चों ने भी तो अपने स्नेहल पिता को खोया है बिबू ने सखा समान आत्मीय दादा खोया है बांटने से दुख घट जाता है और सुख बढ़ जाता है बच्चे मेरा संबल बनेंगे और मैं उनका तो जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा चाय का अंतिम घूंट भर जीजी ने कप रखा फिर नजरें उठाई तो उनकी आंखें अचानक चमक उठी मैं तुरंत उठकर कुछ दूर रखे गमले के पास पहुंच गई बटन रोज का पौधा जीजा जी को अत्यंत प्रिय था। देख कितने सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे गुलाब खिले हैं इसमें जिस दिन इसमें झुंड के झुंड बटन रोज खिलते थे तेरे जीजाजी के चेहरे की चमक और बातों की खनक देखने लायक होती थी अब तो उनकी बगिया को हरा भरा रखना ही मेरी एकमात्र आकांक्षा और जिम्मेदारी है जीजी ने फुर्ती से पास पड़ी खुरपी उठाई और तत्परता से पौधे में खुरपी चलाने लग गई मैं आत्मविस्मृत सी गर्भ से जीजी को निहार रही थी जीजी कागजों में ही नहीं असल जिंदगी में भी सच्चे अर्थों में जीजा जी की नॉमनी बन गई थी दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अनिल माथुर द्वारा लिखी हुई कहानी नॉमिनी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद